दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलर्स टीवी पर बालिका वधू 2 सीरियल प्रसारित हो चुका है, जिसमें आपको कई दमदार कलाकार देखने को मिल रहे हैं। तो इस सीरियल में अभिनेत्री शिवांगी जोशी भी बड़ी आनंदी के किरदार को निभाने वाली हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग और उनकी अदायगी को देखने के लिए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री शिवांगी जोशी को बालिका वधू 2 सीरियल में बड़ी आनंदी के किरदार को निभाने का मौका आखिर किस शख्स की वजह से मिला? आखिरकार कौन है वो शख्स जिसकी वजह से शिवांगी जोशी को बड़ी आनंदी का किरदार निभाने का मौका मिला है? अगर आप भी उस शख्स से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मगर उससे पहले अपने फेवरेट एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अभिनेत्री शिवांगी जोशी नायरा के किरदार को निभाकर घर घर में मशहूर हो चुकी हैं। तभी तो दर्शक इन्हें दोबारा किसी सीरियल में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। वहीं आपको बता दे, शिवांगी जोशी बालिका वधू सीरियल में बड़ी आनंदी के किरदार को निभाने वाली है, जिसमे 17 साल की लड़की के किरदार को निभाएंगी। और बालिका वधू सीरियल में लीव के बाद पूरी कहानी शिवांगी जोशी यानी की बड़ी आनंदी पर आधारित होने वाली है। साथ ही इस सीरियल में लव ट्रायंगल की स्टोरी भी दिखाई जाएगी। वहीं आपको बता दे, इस सीरियल की कहानी बड़ी आनंदी और जिगर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लेकिन आखिरकार कौन सा है वो शख्स जिसने इन्हें बड़ी आनंदी का किरदार दिलवाया? तो आपको बता दे, वो कोई और नहीं बल्कि रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के डायरेक्टर राजन शाही है। जी हाँ, राजन शाही ने प्रदीप यादव, जो कि बालिका वधू 2 सीरियल के डायरेक्टर थे, उनसे कहा कि अभिनेत्री शिवांगी जोशी आनंदी के किरदार को खूबसूरती से पर्दे पर पेश कर लेगी। साथ ही वो अपने एक्टिंग को काफी शिद्दत से पर्दे पर पेश करती हैं, जिसकी वजह से प्रदीप यादव ने शिवांगी जोशी को बड़ी आनंदी के किरदार के लिए अप्रोच कर लिया। तो इस तरह से शिवांगी जोशी को ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के डायरेक्टर राजन शाही की वजह से ही बड़ी आनंदी का किरदार निभाने का मौका मिला है। वहीं शिवांगी जोशी ने अपने शो के डायरेक्टर राजन शाही का दिल से शुक्रिया किया और कहा कि आपकी वजह से मुझे आनंदी का किरदार निभाने का मौका मिला है। तो दोस्तों, आप शिवांगी जोशी को बड़ी आनंदी के रूप में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।